जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम करती हूँ एक बार फिर अपनी किचन में। और आज बनाने जा रहे हैं एक और खास डिश। यू नो, हम हमेशा जब भी कुछ बनाते हैं उसको खास इसलिए कहते हैं कि वो वाकई ही खास होती है, क्योंकि खुदा उस पर ब्लेसिंग देते हैं। अजीजों, आपकी फीडबैक जबरदस्त रही है, मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिल रही है, इसलिए आप जो है कुकिंग के प्रोग्राम यानी कि आज की डिश के प्रोग्राम की कंटिन्यूटी देख रहे हैं। ऑफ कोर्स आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से, आपकी फीडबैक से, दुआओं से जो है ये प्रोग्राम बन पा रहे हैं। और इस वक्त मैं चाहूंगी कि दुआ करें जो आज की डिश बनने वाली है। वी आर गोइंग टू मेक समथिंग फॉर द वेजिटेरियंस। मैं चाहती हूँ कि आज उनके लिए कैसी डिश प्रिपेयर की जाए कि मीट को पीछे छोड़ दे, मतलब जो मीट भी खाते हैं वो सोचेंगे वेजिटेरियन डिशेस इतनी डिलीशियस, इतनी अच्छी बन सकती हैं और इतनी वैरायटी में, तो वो जो है वेजिटेरियन डिशेस को भी ट्राई करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस प्रोग्राम। और जैसे खुदा से आप दुआ करते हैं, दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और इस वक्त आप ग्लोरी टीवी पे आज की डिश प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूँ फैमिली, और मैं चाहती हूँ कि आप थॉरली इन प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और सीखें भी, और अपने फ्रेंड्स को भी खुश करें, फैमिली को भी, बच्चों को भी। यू नो, इट टेक्स अ वाइल। कई बार नई चीज़ हम बनाते तो बच्चे कहते हैं ये तो हमने कभी नहीं खाया, ये तो हमें अच्छा नहीं लगा, इसमें जो आपने डाली हैं चीज़ें। तो अब थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि उनको टेस्ट उनका जो बढ़ाने के लिए, चेंज करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस, चाइनीज, इंडियन, पाकिस्तानी, यू नेम इट, यू नो, वी गोना ट्राई देम, इवन अफगान, काबुली पुलाव जिसे बनाकर मैंने आपको दिखाया, होप आपने इंजॉय किया होगा। लेकिन इस वक्त मैं दुआ करना चाहती हूँ, खुदा बाप से ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ इस किचन के लिए, और जो डिश हम बनाने जा रहे हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक, तो उस पर बरकत दे खुदा। आज जो हम सोया चंक्स बिरयानी वेजिटेरियन बनाने जा रहे हैं, खुदा बाप तेरी उस पर बरकत चाहते हैं, इसे खाएं हम खुदावंद सेहतमंद हों, खुदावंद हेल्दी हों। और जिन लोगों को इस वक्त खाना नहीं मिला, जहाँ कहीं भी हैं खुदा, तो जैसे हमारे लिए तूने प्रोवाइड किया कर दिया है, उनके लिए भी प्रोवाइड करना। खुदा बाप तेरी बरकत चाहती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। चलिए बढ़ते हैं, गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। प्याज काटने हैं उसमें, और जो सब्जियां डलनी है वो काटनी है, आधे से ज़्यादा काम मैंने कर लिया, लेकिन आपका साथ रहेगा तो अच्छी तरह से कुकिंग होती रहेगी। सो प्लीज़ डू कम अलोंग विद मी इन टू माई किचन। सोया चंक की बिरयानी बना रहे हैं आज हम, तो इसलिए मैंने जैसे आपको बताया कि प्याज है हमारे पास, हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, इसको मैंने काट लिया है, छोटे छोटे पीस काट लें तो बहुत अच्छा है। इसके साथ हमें जो है मसाला चाहिए होगा, क्योंकि हमने इसको स्पाइसी बनाना है, तो मैंने जो है एक मिर्च ली है, सूखी मिर्च, बाकी वो जो पत्ते डालते हैं हम, इसको मैं चावल पत्ता कहती हूँ फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, बेली। और इसके साथ दालचीनी है मेरे पास, और जो है आलमंड्स जो आज मुझे मिल गए बाजार से कटे कटाए, तो मैं इसको बाद में जो गार्निश करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ होगा गरम मसाला, वी आर गोइंग टू यूज गरम मसाला, ये देख लें, नो दैट्स इलायची पाउडर, एक्चुअली दिस नॉट मच डिफरेंस, आई कैन टेल, यस आई कैन टेल, एक्चुअली इलायची पाउडर इसमें इस्तेमाल होगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और साथ साथ गरम मसाला इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कोर्स आई लव जीरा और सौंफ, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, आज सौंफ तो नहीं डालूंगा, जीरा जरूर इसमें डलेगा क्योंकि बिरयानी हम बना रहे हैं। एज यू कैन सी, मैं अकेली हूँ किचन में और सरफराज बिजी हैं, तो मैं कैमरे पे खुद कोशिश कर रही हूँ। हरी मिर्च, ब्यूटीफुल लवली ग्रीन चिली, सारी की सारी तो नहीं डालूंगी, इतनी खाई भी नहीं जाएगी, तो इसमें से मैं लूंगी जो है दो, इस तरह से मिर्च दो तीन आप डाल सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है मेरी बहनों को, भाइयों को जो है हरी मिर्च बहुत पसंद है। और मुझे ये भी पता चला है मम्मी से, कई मम्मी मुझे बता रही है कि उनकी बेटियों को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, क्योंकि ये सोया चंक्स की बिरयानी इतनी अच्छी बनती है, और इसका जो है आप मिन्स की तरह भी बना सकते हैं, वो भी मिलता है आपको, मैं दिखाऊंगी। और हम बनाते हैं इसका जो है सोया मिन्स जो है उसको लेके मैं बनाती हूँ, वो कीमे की तरह बिल्कुल लगता है, इतना टेस्टी खाने में, पीस के साथ आप बनाएं भी, यू नो, व्हाटएवर वेजिटेबल यू प्रेफर उसमें डाल सकते हैं। सो हरी मिर्च भी मैं इसमें डालने वाली हूँ, और इसके साथ जो है आए मुंह में पानी आ रहा है नींबू को पहले से ही देख के, तो ये हरा सा नींबू, ब्यूटीफुल फ्रेश लेमन आप ले सकते हैं, और इसको जो है वो जस्ट आइदर आप स्लाइसेस काट के डाल सकते हैं, या फिर यू कैन जस्ट पीस जो उसके साथ जब बिरयानी सर्व करें तो अपना इंडिविजुअल जो है आप उसको स्क्वीज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और इसी तरह से जो सोया चंक्स हैं इनको आप चाइनीज स्टाइल भी बना सकते हैं, वो भी एक दिन बनाएंगे,
वी गोइंग टू नीड जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, वो भी मेरे पास है, और थोड़ी सी हमने जो है लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल करना है. सो लेट्स गेट क्रैकिंग, shall we? लेट्स गेट स्टार्टेड. और पानी मैंने चढ़ा दिया है पहले से, और जो चावल हैं उनको मैंने भिगो दिया है ताकि बहुत देर ना लगे. ये जल्दी बन जाती है बिरयानी, तो इसलिए चावल भी साथ साथ जो तैयार हो जाए तो बहुत मजा आएगा. जो वॉक है, जो कढ़ाई है, मैंने उसको ऑलरेडी ऑन रख दिया है, और इसका गरम गरम होना बहुत जरूरी है ताकि तेल अच्छी तरह से जो है इसमें हम जब डालें तो ये ना हो के बड़ा मतलब पैन ठंडा हो. सो होपफुली कि बहुत जल्दी ये गर्म हो जाएगा. मैंने रख दिया है इसके साथ साथ दूसरे पैन में भी जो है मैंने पानी रख दिया है. सुन इज इट्स हीटेड अप, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चंक्स की बिरयानी, और आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. और मैंने सरफराज को ना आज सरप्राइज देनी है, क्योंकि सोया मिन्स जब हम बनाते हैं तो बहुत सारी बार पता नहीं चलता जब तक उसे टेस्ट ना किया जाए कि हमने सोया चंक्स बनाए हैं, सोया मिन्स बनाया है कि वाकई कीमा मटर बनाए हैं. तो सोया मिन्स भी आप ले सकते हैं. खा दो, ये है सोया मिन्स ये, और इसको जो है आप कीमा मटर के की तरह जो है बना सकते हैं. जब इसको आप सोक करेंगे और मसाला इसका तैयार करेंगे तो ये मिन्स जो है मुझे मिल गया. मैं आपको दिखा दूँ जल्दी से, ये है सोया मिन्स. लेकिन आज हम बना रहे हैं सोया चंक्स. तो चंक्स बड़ी ऐसी मोटी होती हैं और मिन्स जैसे किया होता है, और इसको मटर के साथ आप बनाएं, इवन गोभी के जो यू नो ऊपर फूल जो डालकर बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर वेजिटेरियन. मैं एक दिन आपको बनाकर दिखाऊंगी ज़रूर. कीमा मटर की तरह ये होगा इसका. तो वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत वैरायटी है. एक्चुअली व्हेन आई स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन बॉम्बे, तब मुझे एहसास हुआ कि वेजिटेरियंस के लिए कितनी वैरायटी है. जी बिल्कुल, वॉक जो है कढ़ाई गर्म हो चुकी है. इसमें मैंने डाला 2 चम्मच तेल डालने, थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ गैस वर्क होता है हमारा देसी लोगों का. तो जैसे ये गर्म हो गया इसमें मैं डालूंगी दालचीनी चली गई, और इसमें जो है अपनी मिर्च डाल दी मैंने, और इसी के साथ मैं जो बड़ी इलायची एक डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले हर वक्त भी अच्छे नहीं लगते, बट इट्स नाइस टू ऐड. साथ एक मोटी इलायची भी मैंने डाल दी है. इसको आप खोल भी सकते हैं, और ज़रा इसकी अच्छी खुशबू होती है, और 2-3 लौंग भी डाल दिए मैंने. तैयार हो रहा है, तो इसमें मैंने डाल दिया है ये सारी चीज़ें, और इसके साथ पत्ता भी मैं अभी से ही डाल दूंगी. Alright, once that's gone in, आइए जल्दी से हम प्याज डाल दें. Let's put the onions in. लाल प्याज इतने खूबसूरत लगते हैं सैलड के लिए भी, और कुकिंग के लिए भी आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है. वैसे हम मिक्स रखते हैं व्हाइट अनियंस भी, और आपको जो चॉप किए हुए अनियन बैग में मिल जाते हैं सुपरमार्केट से, आप वो भी ला के रख सकते हैं, वो भी बहुत हैंडी है. अच्छा, मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि बिरयानी हम बना रहे हैं तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑयल चाहिए होगा. तो ये हमने जैसे ही डाल दिया, पुट सम मोर ऑयल इन, क्योंकि हमें बिरयानी के लिए ये मसाला तैयार हो रहा है, तो बिरयानी के लिए हमेशा जो आपको ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है. तो आप जितना बना रहे हैं चावल और क्या कहते हैं सोया चंक, उसके अकॉर्डिंगली बनाएं. आपने मतलब बिरयानी बनाई है तो आपको अंदाज़ा है कि कैसे बनाते हैं. बस ये है कि ये मेरा तरीका बड़ा ईजी सा, और साथ साथ जैसे मुझे ठीक लगता है कि कितना ऑयल की ज़रूरत है. आधा कप छोटे वाला जो है 1/4 कप आई थिंक इज़ व्हाट यू नीड फैमिली साइज़ के लिए अगर आप बना रहे हैं. तो प्रोफेशनल कुक तो मुझे देख के कहते होंगे क्या कर रही है बीबी, लेकिन क्या करें जी, हमने ऐसे ही कुकिंग सीखी है. हमने कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं लिया, ना कोई किसी ट्रेनिंग के लिए गए हैं. एक्चुअली मैं तो अपने मम के घर में काम भी नहीं करती थी, सबसे छोटी थी, सो हार्डली एनी कुकिंग मैंने की है. एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट विद यू कि मैंने ज़्यादातर जो है मसाला बनाना, अदरक कच्चा ना रह जाए, और अदरक से मुझे याद आया, यस अदरक लहसुन अभी ही डालना है, तो ये ना हो जाए वो ना हो जाए. तो मुझे सरफराज ने काफ़ी ऐसे टिप्स दिए हैं और मैंने उनको वॉच किया है कुक करते हुए, तो इसलिए मेरे लिए जो है आसान हो जाता है कुक करना किसी भी डिश को. इसमें हम डालेंगे, जैसे ही देखें बहुत प्यारा रंग बन गया है, और अनियंस भी भून लिए हैं हमने. तो इसमें मैं 1 चम्मच बड़ा डाल रही हूँ इसमें गार्लिक, जिंजर और गार्लिक पेस्ट दोनों को जो है
आपने डालना है। तो खुदा का शुक्र है कि हमारे पास अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। ऑलवेज मैं लॉर्ड का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम खुदावन का शुक्र बजा लाएँ जैसे जैसे हम ये काम करते हैं, साथ साथ खुदा को भी याद करते हैं कि खुदा ने ये सारा प्रोवाइड किया है। तो जिसके सिजलिंग को ढक्कन रख सकते हैं कि सारे तरफ ना जाए, क्योंकि तो जैसे ही आप डालेंगे तो बड़ा शार्प सा इसका होता है। जैसे ही आपने डाला तो थोड़ा देर के लिए ढक सकते हैं। जैसे ही ये ब्राउन होना शुरू हो गया, हम इसमें मिलाएंगे इलायची पाउडर। डाल दिया मैंने जीरा, भी इस वक्त डाल सकते हैं। गरम मसाला, सारे मसाले सरफराज अगर होते तो उन्होंने कहा हाय कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये सारा कुछ जो है जीरा, अब जैसे जब आपने डाला है इलायची, सॉरी कहती हूँ इलायची पाउडर कह रही हूँ, जब आपने गरम मसाला डाला उसी वक्त आप जीरा वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम इनसे कर रहे हैं तो मुझे जैसे जैसे चीज़ें नज़र आती हैं मैं डालती जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खाना बनता है इसे। ऑलराइट ओके, ये तो तकरीबन हमारा सारा मसाला जो है पक रहा है। बहुत अच्छी खुशबू सचमुच आ रही है, और देखने में देखे मसाला कितना अच्छा लग रहा है। कि आज हम बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा, सोया चंक्स बिरयानी। वेजिटेबल है तो वेजिटेबल कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सब्जियां ही डालेंगे। तो मैं थोड़ी सी इसमें जो है इसमें इसको थोड़ा सा चटपटा करने के लिए, स्पाइसी करने के लिए मिर्ची भी लाल डाल रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैंने लाइफ में कभी इतने मसाले खाए नहीं, खरीदे नहीं जितने मैंने आजकल खरीद रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली इतना ज़्यादा हम स्पाइसी नहीं लेते, बट ऑफकोर्स लेना चाहिए। अच्छा जी, ये देखें मसाला, और अब जो है इसमें हम डालेंगे अपने सोया चंक्स। जैसे ही इसको डाला, और हमने इसमें सॉल्ट भी डालना है ऑफकोर्स, उसके बगैर क्या मज़ा आएगा, सॉल्ट के बगैर क्या मज़ा है ना? अच्छी तरह से इसको आप सोच रहे होंगे आपने हल्दी नहीं डाली इसमें, मिर्चें डाली है, क्योंकि मैं वो येलो लुक और रेडी सी लुक नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें हम कलरफुल वेजिटेबल टेस्ट के लिए डाल रहे हैं। सो आई डोंट रियली वांट टू गिव दैट टिपिकल रेड लुक जो मसाले में आती है, टमाटर डाले और ये वो डाले। आई मीन यू कैन, चॉइस है आपकी, डाल सकते हैं, बट लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज ज़रा टमाटर को ना छुट्टी दे दें, और जो है आराम से ये थोड़ा सा कलर अच्छा हो, डिफरेंट हो। इसके साथ ही हमने पेपर्स भी डाल देनी है। मर्जी है आपकी, अगर इसमें डालना चाहें तो आप डाल भी सकते हैं इफ यू वांट। आंच थोड़ी ऊपर करूंगी, आप डाल भी सकते हैं इसमें अगर आपका जी चाहता है टमाटर तो, लेकिन मैं जस्ट डिडंट वांट टू गिव दैट टिपिकल लुक जो मसाले की होती है, क्योंकि आज हम बिरयानी खाएंगे तो इसलिए। सो डिलीशियस। गरम मसाले का जो टेस्ट है ना, जबरदस्त। अच्छा, अब इसको मैं रखूंगी भाप पे, और साथ चावल भी चढ़ा देंगे, ये तो इसमें पकने देंगे इसको थोड़ी देर के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि राइस बनाने का बेस्ट तरीका ये है कि पहले से भी भिगोकर रख दें, और मैं आपको ज़रा दिखा दूं। सॉरी, कैमरा खुद ही कर रही हूँ तो मैं ज़रा स्क्रीन को अपनी तरफ घुमा लूं, और ये हिल भी गया है कैमरा। ओके, हियर आई हैव राइस, ये देखें मैंने जो भिगोकर रखे थे,
तो उसको मैंने सो करके रखा था। अब मैं पानी जो है ऑलमोस्ट आप देख ही सकते हैं उबल रहा है, तो जिसमें मैं चावल डाल दूंगी, साथ साथ चावल भी तैयार हो जाएंगे और चावलों के साथ फिर जो हमने मिक्स करना है नगेट्स जो रेडी हो रहे हैं, सोया नगेट्स भी कहते हैं, सोया नगेट्स बिरयानी जो बन रही है। तो आई एम गोना पुट द राइस इन नाउ, शुडन्ट टेक टू लॉन्ग टू कुक। और जब भी आपने प्लेन बॉयल बनाने हैं तो राइस कुकर में भी बनाएं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल दें। और उसके साथ मैंने ये देखा है कि अगर आप राइस कुकर में बना रहे हैं तो मैं तड़का लगा के भी ऊपर डाल देती हूँ, तो इतने अच्छे प्यारे वो बनते हैं राइस, बहुत ज़बरदस्त। और इस वक्त मैंने भिगो के रखा था, खुला पानी आप डालें प्लेन राइस के लिए कोई मसला नहीं है। चलिए साथ साथ चेक भी कर लेते हैं कि किस तरह से बन रही है हमारी बिरयानी की तैयारी हो रही है। लुकिंग वेरी गुड, ज़बरदस्त। और आप याद रखें कि जब इसको आपने भिगोया है पानी में तो इसमें से जो निकलेगा स्टीम जब मैं पकाएंगे आपको तो उससे ये पक जाएगा। वैसे भी आप जो है एज बनी रहे होते हैं, आपको इतने अच्छे लगते हैं, दिल करता है खाने को। मैंने ऑलरेडी एक खा के देखा है, मैं एक को स्वाद के लिए जैसे हम देखते हैं टेस्ट के लिए। लेमी सी, नमक उगाओ। लव इट लव इट, ज़बरदस्त। अब जो है क्योंकि ऑलमोस्ट बन गया और मैं नहीं चाहती कि इसकी सब्जी बन जाए, तो पेपर्स भी जो क्रंची थोड़ी सी रखनी है तो ढक्कन हटा दें आप हल्की आंच पे। इसको जो थोड़ा सा आपको लगता है इसमें मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा उस तरफ। वो भी बन रहे हैं हमारे चावल भी उबलने वाले हैं, सब ऑलमोस्ट डन। लिए होम मेड कुकिंग का जो मज़ा है ना, जो जाता है वो किसी चीज़ में नहीं है। ये देखिए बहुत प्यारे, इसमें हमने जो गरम मसाला डाला, आज इलायची पाउडर डाला है, उसकी भी बड़ी खुशबू प्यारी है एंड आई। और नमक भी बिल्कुल सही है और इसके साथ साथ जो है खुशबू भी साथ साथ आ रही है। यू जस्ट गोना लव दिस बिरयानी, आई एम टेलिंग यू, परफेक्ट फॉर फ्राइडे इवनिंग्स। बिल्कुल काम से आएंगे आप, थके होंगे और इतना ज़्यादा इसको प्रेपरेशन में टाइम भी नहीं लगेगा। एंड यू विल जस्ट लव दिस बिरयानी, इट इज़ सो गुड। ऑनेस्टली मुझे इतनी अच्छी लग रही, यू नो यू हैव अ चॉइस, जो भी आप वेजिटेबल डालना चाहें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी जो है नहीं हमें इसमें मतलब डालना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका मीठा इसको रखना चाहते हैं तो आप शुगर ऐड कर सकते हैं। जब आप मसाला बना रहे हैं और इसको डाल रहे हैं तो थोड़ी सी शुगर की जो है आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट स्वीट एंड सार, देन ऑफकोर्स विनेगर भी, चाइनीज स्टाइल जो है उसमें सोया सॉस और वाइट विनेगर ये वो इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से उसका टेस्ट है वो बड़ा प्यारा लगता है, मुझे पर्सनली पसंद है। मेरा बहुत दिल खुश है कि जो मीट नहीं खाते उनको जो है वेजिटेरियन डिशेस के लिए हाँ ब्लू टीवी से ऐसे प्रोग्राम मिल रहे हैं। इज़ अ प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि इस चैनल को जो है हम जैसे हमें स्पिरिचुअल फूड मिलता है, फिजिकल फूड भी मिल रहा है, तो खुदा बाप हमारे ऊपर कितना मेहरबान है, हमें सचमुच खुदा का शुक्र करना चाहिए। तो ज़रूर ग्लोरी टीवी के पार्टनर बने, इसे सपोर्ट करें, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें हमें भी खुशी होती है, प्रोग्राम बनाने में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं हम सारे खुदा की तरफ, हमारा जो रुजू है और भी जो है पुख्ता होता जा रहा है। चावलों को इसमें थोड़ा सा अभी है वक्त तो मैं सॉल्ट यूजली साथ ही डाल देती हूँ थोड़ा सा, ताकि जो राइस भी होते हैं उन पे भी जो है थोड़ा सा चावलों पे भी नमक का जो है टेस्ट आ जाता है अच्छी तरह से। तो बस अब चेक करेंगे हम, क्योंकि इनको भी फिर हमने दम पे रखना है, जैसे हमने काबली पुलाव चावल बनाए थे तो दम पे बने थे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मीट डिशेस में है हम एक्स्ट्रा ऑयल डालते हैं। बेशक आपको डालना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि आप बिरयानी बना रहे हैं, बट इनफ होना चाहिए कि ये नहीं कि तैरता हुआ नज़र आए। बस ये देखिए ब्यूटीफुल जो चंक्स है इनका, इतना खूबसूरत कलर बन गया है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि जो पिसा हुआ मसाला होता है उसका कुछ और ही असर होता है, तो ये जो है हमारी बिरयानी की जो चाहिए हमें वेजिटेबल और सोया नगेट्स वो तैयार हो चुकी हैं। चावल भी बस ऑलमोस्ट वी आर देयर। और इसके बाद जो है हमने इस वक्त जो है इसमें मैं मिर्ची ऐड कर सकती हूँ, जो मैंने कहा था ग्रीन चिली, जिनको पसंद है मुझे भी इस तरह से पसंद है। आइदर यू कैन कट इट, थोड़ी सी काट भी सकते हैं ताकि इसका फ्लेवर आ जाए, या फिर आप वैसे ही डाल सकते हैं, बट आई यूजली सॉर्ट ऑफ कट इट क्योंकि हम इतनी खा ही लेते हैं, तो दो इज इनफ।
I think I'll add one more. एक और ऐड कर देते हैं। मिर्ची जब मैं खरीदती हूँ तो सबसे पहले साफ करके इस तरह से फ्रिज में रख लेती हूँ, क्योंकि बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी मिर्ची हरी हरी मिल जाती है, कितनी खूबसूरत है और खाने में भी खूब मजा आता है। ऑलराइट, चले मैं अब जो है चावलों को ड्रेन करके इसमें ऐड करने के लिए आपको दिखाऊंगी, और थोड़ा सा इसमें कलर भी आएगा, ना कि जैसे मसाले का कलर होता है लाल वो नहीं, लेकिन इसका अपना जो है कलर होगा। रियली ब्यूटीफुल ये बनती है बिरयानी। ओके, लेट्स चेक द राइस अगेन। यस, वी आर ऑलमोस्ट देयर। मैं उसको ड्रेन करके फिर आपको बाकी की जो इसको गार्निश करेंगे खाते हैं। ओके, ये तो हमने बनाया था, रेडी है। और चावल जैसे मैंने कहा था मैं ड्रेन करके लेके आती हूँ, तो चावल पक चुके हैं, बिल्कुल रेडी। एंड ऑल वी गोइंग टू डू इज जस्ट थ्रो देम इन, ऐड देम। ये आपने रखे चावल, देखा जी फोन आ गया, बिल्कुल सही टाइम पे आया, जरूर इंटरेस्टिंग कॉल होगी। तो इसके साथ जो है हमने इस वक्त जो है थोड़ा सा रंग डालना है, मैंने कहा था ना कि हमें चाहिए रंग थोड़ा सा, लेकिन वो मसाले वाला रंग नहीं, तो हल्का सा मैंने लिया है, यू कैन सी, कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन। तो जस्ट गोना पुट अ लिटिल बिट ऑफ कलर हियर एंड आई एम गोना डू द सेम ऑन दिस साइड, हल्का सा बस, ताकि हमें मिल जाए वो रंग थोड़ा सा इसमें। बहुत प्यारी बिरयानी, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। वेजिटेरियंस के लिए ये बिरयानी है और इतनी खूबसूरत मज़ेदार बनी है। और अब जब हमने इस पर कलर डाल दिया तो फॉर फ्यू मिनट्स के लिए जो है इसको हमने ढकना है, ठीक है। जस्ट पुट द लिड डाउन, दैट्स द वे आई कुक दिस बिरयानी। ये बहुत मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर इसे बनाएंगे और आपको मज़ा आएगा, बहुत खुशी के साथ इसे खाएंगे। और योगर्ट, रायता, सैलड, जो भी आपका जी चाहे आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, खबर लेते हैं सोया नगेट्स की बिरयानी के किस तरह से जो है दम पे रखा था उसे, और बिल्कुल वाव। कई बार जो है कई हमारी बहनें हैं जो उसे कलर को जो पानी में मिलाकर भी डालती हैं, बट एज इट इज अगर पाउडर भी डाल दें तो ये देखें सारा इसमें मिक्स हो जाना है। सो अब हम इसे जेंटली फोक के साथ मिक्स करेंगे। वाह जी वाह, क्या बात है, है ना मजेदार बिरयानी। ये देखिए, इसको फिर आपने बस यूं नीचे से उठाएं और जेंटली, वेरी जेंटली जो है सारा नगेट्स को मिक्स कर दें, वेजिटेबल्स को भी। और देखें ये बन जाती है वेजिटेबल, सोया नगेट्स के साथ वेजिटेबल डालें। और ये कलर बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि हमें वो मसाले वाली लुक नहीं चाहिए, तो हमें जो है लाल रंग, ऑरेंज कलर, वट एवर यू लाइक टू ऐड, यू नो यू कैन मेक इट रियली नाइस ब्यूटिफुल। मिक्स इट थॉरली, इतनी प्यारी खुशी और मजेदार लगेगी। देखिए ये बन गए आपकी मजेदार, क्या खूबसूरत है, बिल्कुल लग रहा है ना जैसे पिलाव राइस बनाते हैं या हम वेजिटेबल डालकर मीट के साथ बिरयानी बनाते हैं। ये देखिए खूबसूरत वेजिटेरियन डिश जो आज हमने बनाई है, सारे खूबसूरत मसालों का फ्लेवर, देखने में भी अच्छी और सेहत के लिए भी अच्छी। तो आप कह नहीं सकते कि ये लैम है या सोया चंक्स है। सोया नगेट्स इतने खूबसूरत है, खाने में भी उतना ही मज़ा
और ये समझ लें कि ये वेजिटेरियन जो हमारे अजीज हैं उनके लिए वो मीट की डिश के बराबर है ये। प्लीज इसे जरूर ट्राई करें, और क्रिसमस आ रहा है, मैं चाहती हूँ आप इसे सर्व करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो वेजिटेरियन है वो ऐसी बिरयानी बनाएं और खाएं, और आप इसे बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। लेमन जो हमने काटा था आप ऊपर लेमन रख सकते हैं, और जब दम पे चढ़ाते हैं तब भी आप रख सकते हैं, तो इसका बहुत प्यारा जो है आपको फ्लेवर मिलेगा। और इसके साथ साथ जो मैंने लिए थे बादाम कटे हुए आप ऊपर डाल सकते हैं, नट्स आर गुड फॉर विंटर, तो ये डाल सकते हैं। अगर अच्छा आपको नट्स एलर्जी है या आप नहीं खाना चाहते तो आप पूरे बिरयानी में ना इसे ऐड करें, और सेपरेटली आप इसे सर्व कर सकते हैं और प्लेट में डाल के रख दें जिसकी चॉइस है इसको। कई लोग लेमन नहीं लेते, वो कहते हैं कि खट्टा उनको पसंद नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप सेपरेटली भी रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जिसको जो चाहिए वो डाल सकता है। क्रिसमस आ चुका है तो क्रिसमस पे मौके पे जो है अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, ट्रीट देम यू नो एंड सर्व दिस लवली बिरयानी एंड फिनिश इट ऑफ विद बर्फी और क्या कहते हैं जलेबी के साथ। इसको भी दे दूँ, फिनिश कर दूँ आलमंड्स ऊपर थोड़े से।
शब्द।